अमेरिका के साथ रिश्तों में जमी बर्फ के बाद अब पाकिस्तान ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान की सैन्य सहायता रोकने के बाद अब इस्लामाबाद ने रूस और चीन से मदद मांगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने उनके साथ बर्ताव किया है उसको देखते हुए नए सैन्य हथियारों के लिए इस्लामाबाद अब रूस और चीन के साथ साथ यूरोपीय देशों से मदद लेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने अंग्रेजी न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले 3 सालों में हमने रूस से कुछ हेलीकॉप्टर खरीदे हैं जो कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय और रणनीतिक रिश्तों को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दस्तगीर खान ने कहा कि अमेरिका के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के खातिर हमें इस प्रकार का फैसला लेना पड़ रहा है। दस्तगीर खान ने कहा कि वे रूस से फिलहाल सुखोई 35 के बारे में बात चल रही है। फिलहाल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 विमान है जिसे अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी से खरीदा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी को ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 बिलियन की सैन्य मदद रोक दी है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पानी की तरह पाकिस्तान में पैसा बहा रहा है लेकिन बदले में उन्हें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। टीम इंडलिंग्स।